2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड भाजपा ने चुनावी बिसात बिछानी शुरू करते हुए राज्य में जनता के बीच महाजनसंपर्क अभियान का श्री गणेश कर दिया है। महाजनसंपर्क अभियान को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ कहा, जून माह में हम जन जन तक पहुंचेंगे और केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धि बताने का काम करेंगे। वहीं अभी यह तय नहीं है कि पीएम मोदी कब रैली करेंगे। उनके अनुसार प्रधानमंत्री मोदी का गुंजी आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। ऐसे में जब पीएम वहां आएंगे तो पिथौरागढ़ में जनसभा भी आयोजित हो सकती है। देखिए, 9 वर्ष की उपलब्धियां के विषय को लेकर महासफर अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है पार्टी का, और आज केंद्रीय मंत्री जी का यहाँ पर आगमन हुआ। उनके द्वारा जो कार्यक्रम सबके सम्मुख रखे, अभी इन विषयों को लेकर हमने प्रत्येक व्यक्ति के दरवाजे तक जाना है। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि 9 वर्ष की उपलब्धियाँ, उस समय के 9 वर्ष के बालक तक, जो आज 18 वर्ष का मतदाता हो गया, उस तक हमको पहुँचाना है। और इस दृष्टि से हमने कार्यक्रम तय किए। अभी हमारे 5 लोकसभाओं के अंदर बड़ी सभाएं होंगी, उसमें केंद्र नेतृत्व का आना होगा। और हमने आग्रह किया है देश के प्रधानमंत्री से कि उनका उत्तराखंड से बहुत आत्मिक लगाव है, उत्तराखंड के समय में उनका आना हो, ऐसा हम सबका प्रयास है। मुख्यमंत्री जी मिलकर भी आए और एक भव्यतम कार्यक्रम का स्वरूप रहेगा। और मुख्य रूप से क्योंकि आज जनता विकास अपनी आंखों से देख रही है। उत्तराखंड की दृष्टि से मैं कहूँ तो उत्तराखंड के विकास में बहुत बड़ा योगदान इन 9 वर्षों के अंदर केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री जी का रहा है। चाहे ऑल वेदर रोड हो, केदारनाथ बद्रीनाथ का विषय हो, हमारे हेमकुंड यात्रा, ये हमारे आर्थिकी के स्रोत है। आर्थिकी स्रोतों को बढ़ाने में जो जितना योगदान प्रधानमंत्री जी का रहा है, उत्तराखंड की जनता आज उस ऋण को उतारेगी। और उस ऋण को उतारने के लिए हमारा कार्यकर्ता प्रत्येक व्यक्ति के घर पर जाकर उससे मोदी जी के आशीर्वाद प्राप्त करेगा। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महाजनसंपर्क अभियान का आगाज कर दिया है, लेकिन वही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की कोई तैयारी फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर होती हुई नजर नहीं आ रही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कहना है कि निकट भविष्य में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जरूर इसकी कोई कार्य योजना बनाने का काम करेंगे। देखिए, जहाँ तक सबका प्रश्न है तो मैं कह सकता हूँ अपने अपने स्तर पर सब लोग जो है कार्य कर रहे हैं, और संगठन जो है मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में कोई योजना तैयार करेगा जिसके माध्यम से लोकसभा चुनाव को हम जीत सके। मैं तो कहना चाहता हूँ कि भाजपा के लोग जो अभियान चला रहे हैं उसमें लोग बहुत सारे प्रश्न भाजपा के लोगों से पूछेंगे, कोई जवाब जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों के पास नहीं है। हमारा जिले स्तर का, ब्लॉक स्तर का और महानगर स्तर का संगठन बन के तैयार हो गया है, और निश्चित रूप से कोई ना कोई रोड मैप, कोई ना कोई खाका प्रदेश अध्यक्ष के दिमाग में होगा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की बातों से तो लगता है कि कांग्रेस ने अभी लोकसभा चुनाव को लेकर कोई कार्य योजना नहीं बनाई है, लेकिन विपक्ष बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान पर जरूर सवाल खड़े कर रहा है। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत कांबोज, देहरादून।